लिखिएगा पहला क्वेश्चन। हाउ विल बी द पीएच, हाउ विल बी द पीएच ऑफ ब्राइन, ब्राइन बी आर आई एन ई, हाउ विल बी द पीएच ऑफ ब्राइन, ब्राइन जानते हैं क्या होता है, क्या होता है ब्राइन, क्या होता है नहीं जानते ब्राइन, आप भी नहीं जानते हैं। नमक पानी के सॉल्यूशन को ब्राइन करते हैं, पानी में नमक मिला दिए तो क्या हो गया ब्राइन, दैट इज साल्ट डिजॉल्विंग NaCl डिजॉल्विंग वाटर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। पूछा था हाँ, तो हाउ विल बी द पीएच ऑफ ब्राइन will be affected when it is electrolyzed, give explanation। इस टॉपिक में जो 10 आने वाले क्वेश्चन हैं आपसे पूछा जा सकता है वो हम 10 को बता देते हैं। तो याद कीजिए कि जब हम इस चैप्टर को शुरू किए थे तब हम एक बात बताए थे, याद कीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस जिस बर्तन में होता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसमें 2 रॉड होता है, ये हम आपको बता चुके हैं कि इसमें आप पर डिपेंड करता है कि कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुटेगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो निगेटिव टर्मिनल से जुटेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा, ध्यान से सुनिए बात। तो जो हर एक का नेचर होता है अपोजिट पोलरिटी के तरफ अट्रैक्ट होना, समझ रहे हैं ना। तो अब हमने यहां पर Ca प्लस और Na प्लस के जगह पर क्या आ जाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, ध्यान से सुनिएगा। तो Na प्लस क्या है, कैटायन है, तो वो कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड पर यहां पर एक और उम्मीदवार होगा, वो H प्लस और OH माइनस होगा, क्योंकि हमने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब आप समझते हैं एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी कभी एक्वस सॉल्यूशन बोला तो यहाँ एक उम्मीदवार और बढ़ गया कि यहाँ Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ H प्लस और OH माइनस। अब उसके बाद हम आपको बता चुके हैं कि यदि कोई VIP एलिमेंट होगा तब क्या कहते हैं, उनका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, नहीं तो किसका इलेक्ट्रोलिसिस होगा, एच प्लस का। इसका मतलब कि एच प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि यहाँ पर हम आपको शुरू में समझाए थे कि जो आयन VIP होगा यदि वो रहता तब कौन जाता, VIP वाला, लेकिन ये जो Na प्लस VIP नहीं है तो यहाँ पर ये कौन गया है, ये कंसेप्ट आपको हम सिखा चुके हैं, ये चीज़ हो गया। मतलब कैथोड पर आपको क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। अब आइए एनोड पर, एनोड पर आपको हम क्या सिखाए थे, एनोड पर ऑक्सीडेशन उसका पहले होगा जिसमें कम ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर कौन जाएगा बोलिए, Cl माइनस किस में जाएगा, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रोड। अब देखिए यहाँ क्या हुआ कि जब यह काम हुआ तो H प्लस किससे बदलते चल जाएगा, H2 में, और Cl माइनस किससे बदलते चल जाएगा बोलिए, क्लोरीन में। तो ये दोनों क्या होगा, कमते चला जाएगा, बचा कौन, NaOH, बचा कौन आपके पास, बचा बोलिए, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बचा कौन, NaOH। NaOH क्या है, बेस है, बेस होने से pH क्या होता है, घटता है, pH क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होने से pH क्या हो जाता है, डिक्रीज करेगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यदि हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस वी ऑब्टेन ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH, और NaOH क्या है, बेस है, तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, अल्कलाइन, अब pH लेस देन किसका होगा, 7। क्लियर हुआ बात, ये इससे कुछ आए, अब pH more than 7, हाँ pH more than 7, तो pH यदि पूछे pH क्या होगा, तो pH क्या होगा, बोलने में pH क्या होगा, more than 7। सॉल्यूशन का यदि pH पूछ दे तो आपको आंसर देना है 7। तो ये पूरा बात को लिख लीजिए, पूरा बात को लिख लीजिए, क्या हुआ इसमें, पूरा बात आप समझ गए होंगे। ये इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिस कैसे आपसे क्वेश्चन रहेगा बोलिए, कहेगा कि Fe प्लस प्लस से Fe जाने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वह है x,
और Fe3+ से Fe जाने का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये है y। ध्यान देखिए प्रॉब्लम टाइप कैसा रहेगा, तो आप बताइए कि Fe से Fe2+ जाने का है, Fe से Fe3+ जाने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बता सकते हैं कोई? इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत मिलता होगा और आपको नहीं बनता होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिलता है, नीट में भी, एम्स में भी, सब बहुत टाइप से पूछा हुआ है ना, ये क्वेश्चन मिलता है ना। अब इसका एक तरीका बता देते हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ये लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, ये चीज को तो प्रॉब्लम टाइप कर देते, हेडिंग देख लीजिए, प्रॉब्लम टाइप। प्रॉब्लम टाइप 2, 1 तो बताया, प्रॉब्लम टाइप 2। चलिए अब हम बुद्धि सिखाते हैं, खाली दिमाग कंसंट्रेट रखिएगा 2 मिनट के लिए क्लास में। होता है बहुत बच्चा बैठा यहाँ है, सपना देख रहा है, अगले अगला आगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर समझिए कि हमको इस चीज का निकालना है, किसका निकालना, इस चीज का। तो इसका नाम देंगे टारगेट इक्वेशन, इसका नाम क्या देंगे, टारगेट इक्वेशन, इसका नाम देंगे टारगेट। और ये दोनों हमारा गिवन इक्वेशन है, तो पहले हम देखेंगे कि टारगेट इक्वेशन को हम कैसे लाएं इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से। तो हमारा एफ ही इस साइड में है और इसमें एफ ही किस साइड में, इस साइड में है, मतलब कि हमको इक्वेशन 1 को पलटना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, पलटना, समझते हैं ना, कि आपको इक्वेशन 1 को क्या होना, रिवर्स करना पड़ेगा। तो आपको कैसा लिखना होगा, एफ ही से Fe2+, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -x, क्योंकि रिएक्शन को उलटने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना समझे। यदि ये नहीं भी करना चाहते हैं तो इतने तक अभी समझिए, ये भी साइड में रखिए। पहला इक्वेशन को आपको रिवर्स करना पड़ा। अब हम आपको दूसरा चीज क्या लाना था बताइए, Fe3+ को इस डायरेक्शन में हमको, देखिए ध्यान देखिए, हमारा टारगेट क्या है, एफ ही को इधर, तो हम पहला को उलट के इधर ले आए, दूसरा Fe3 को इधर, तो दूसरा इक्वेशन को भी क्या करना पड़ेगा, उलटना पड़ेगा। तो दूसरा इक्वेशन को उलटेंगे तो क्या लिखाएगा बोलिए, तो Fe++ से Fe3+ उल्टे, ये इससे कट गया, बात समझ रहे ना, आपका टारगेट इक्वेशन आ गया कि नहीं, Fe से Fe3+। पहले इतना समझिए, मतलब कि दिमाग में पहले आपको ये सोचना होगा कि हम क्या मैनिपुलेशन करें कि ये चीज आ जाए। दोनों इक्वेशन में क्या किया कि दोनों को रिवर्स करके जोड़ना पड़ा, दोनों को रिवर्स करके जोड़ना पड़ा, बात समझ रहे ना। तो जब किसी चीज को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि चाय है, चाय में जो मिठास है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आप एक कप चाय पीजिए या एक चम्मच पीजिए या एक ड्राम पीजिए, सब में उतने मीठा लगेगा, उसी तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आप किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट जोड़ घटाओ नहीं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ना नहीं है, क्योंकि आप उसी चीज को जोड़ घटाओ सकते हैं जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जोड़ घटाओ करिएगा तो आप गलत हो जाइएगा। जैसे कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी डेंसिटी है, इस बोर्ड का एक छोटा सा भी टुकड़ा तोड़ेंगे तो उसका एक डेंसिटी होगा, ऐसा नहीं कि बड़ा टुकड़ा ले लेगा तो उसका डेंसिटी अलग हो रहा है, जब वो बोर्ड का है तो सबका डेंसिटी क्या होगा, साइज छोटा रहे या साइज बड़ा रहे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बदलता नहीं। जैसे कि इनका गोरापन है, अब इनके शरीर के एथनी को मैं देखिए या पूरा शरीर को देखिए, उतने गोरे लगेंगे, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी कलर है, बात समझ रहे कि नहीं, ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इससे मतलब नहीं है कि आप साइज ऑफ सिस्टम छोटा ले रहे हैं कि बड़ा ले रहे हैं, बात समझ गए बिना बात। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, तो हम करें क्या, तब एक उपाय है कि इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें। क्या हम बोल रहे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करें तब हम जोड़ घटाव कर सकते। तो जैसे कि हम इस रिएक्शन में इसका हम ई नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन इसका जी नोट और इसका जी नोट को जोड़ सकते हैं, तब इसका जी नोट निकलेगा।
मतलब कि गिव्स फ्री एनर्जी को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो इसका जी के लिए क्या लिखेंगे बोलिए, माइनस एन एफ ई नॉट, इसका एक्स है तो यहाँ एक्स लिख देते हैं, या भी बाद में पुट करेंगे, छोड़िए ध्यान दीजिएगा। इसका लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट, इसका लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, इसके लिए भी क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नॉट। समझिए हम बुद्धि सिखा देंगे कि बिना देख लिया, खाली देखिए एक बना दीजिएगा, लेकिन अभी हम रास्ता सिखा रहे हैं, पहले रास्ता दिखा लेते हैं, उसके बाद उड़ना भी सिखाएंगे। पहले इस चीज को पहले देखिए, मतलब कि हमको ये दोनों इक्वेशन को जोड़ के, ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों इक्वेशन को जोड़ के ये इक्वेशन आ जाएगा। तो जरा सा आप जोड़ते हैं था, आप ध्यान से देखिएगा, हम इक्वेशन देखिएगा, हमने क्या किया, माइनस इक्वेशन वन प्लस माइनस इक्वेशन टू किया। ध्यान से समझिएगा, दोनों इक्वेशन को उल्टे तो क्या किया, माइनस किए, उसके बाद जोड़े, इससे हमारा क्या मिला, इक्वेशन थ्री बोलिए, या इसी का नाम क्या है बोलिए, बोलिए शर्माइए नहीं। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं ये समझिए, माइनस, ध्यान से समझिए, माइनस किए तो पहले तो माइनस है, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस जी नॉट वन प्लस माइनस जी नॉट टू इक्वल टू जी नॉट टारगेट, लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जी के लिए हम क्या लिखते हैं बोलिए, माइनस एन एफ, अब पहले से एक माइनस है, माइन एफ ई नॉट, ठीक है, ये किसका लिखे, वन, हड़बड़ाइए नहीं, धैर्य रखिए, धैर्य रखिएगा तो बहुत आगे बढ़िएगा, माइनस एन एफ ई टू, ठीक है, टू नॉट, ठीक है। अरे भैया ये तो समझ गए ना, यहाँ तक सही है ना, हाँ ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस एन एफ ई टारगेट नॉट। हम कुछ इसलिए कर रहे हैं कि हमको कभी कभी कबाब के साथ हड्डी भी आ जाता है ना, हम बोनलेस बना देना चाहते हैं कि आपको इतना करने का जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों मिलकर तो प्लस आ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों पहले से माइनस था और यहाँ पर ये इस इक्वेशन का पार्ट है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखें बोलिए, तो प्लस, अभी हम माइनस से लिखते हैं, माइनस को भी साइड रखते हैं, समझे, हम एक टेक्निक सिखाना चाह रहे हैं आपको, ये माइनस बाहर रखते हैं और हम एक कॉमन ले रहे हैं, किस चीज़ को, सोच देखिए, तो हम ले रहे हैं माइनस और एफ को कॉमन, हम किसको ले रहे हैं, माइनस और एफ को कॉमन, तो क्या बचा बताइए, तो माइनस और एफ को कॉमन लिए थे, यहाँ क्या बचा है, एन ई नॉट वन, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा है, हाँ प्लस क्या, हाँ क्या बचा है, एन ई नॉट टू, बहुत अच्छा, और यहाँ पर भी माइनस और एफ को कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचा है, एन ई नॉट टी, वेरी गुड, आप लोग सब तेज हैं। यहाँ से ये पहले बाहर का है, ये दोनों को क्या करते, उड़ा दिए। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, अब इस निगेटिव को अंदर ले जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, माइनस एन ई नॉट वन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस एन ई नॉट टू, ठीक है ना, इसको माइनस अंदर ले जा रहे हैं, तो ये एक में था कि पूरा का माइनस था, नहीं तो सिर्फ इसी का माइनस था ना, ठीक है, एक सेकंड, इधर वाला सही रहेगा, खाली ये तो इसमें माइनस था ना बुआ, पूरा का तो माइनस नहीं था, ठीक है, इज इक्वल टू एन ई नॉट टी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एन ई नॉट टू माइनस एन ई नॉट वन, ये माइनस दोनों पर पूरा पर था ना, ई नॉट टू एन ई नॉट वन, ठीक है, इज इक्वल टू एन ई नॉट टी। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ई नॉट टी इक्वल टू एन ई नॉट टू प्लस एन ई नॉट वन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एन। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब कोई टारगेट इक्वेशन बनाते हैं तो उस दोनों इक्वेशन के साथ आप जैसा व्यवहार किए हैं वैसा ही व्यवहार इस साइन में भी होगा। जैसे कि हम इसको रिवर्स किए थे तो यहाँ भी क्या लगा था, निगेटिव, और यहाँ भी क्या लगा था, निगेटिव। जैसा व्यवहार दोनों के साथ जैसा व्यवहार करिएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वो दोनों इक्वेशन को आप जोड़े थे तो दोनों को जोड़े थे या दोनों को घटाएंगे वो यहाँ पर आगे आ जाएगा। मतलब कि आपको एक चीज़ ध्यान रखना है
कि आपके मन में एक चीज आएगा हमेशा कि सर हम कब जोड़ें, बहुत बच्चा को होता है कब जोड़ें कब घटाएं। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम ऊपर से देख लेना चाहते हैं, इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू दोनों इक्वेशन को घटाएं, ध्यान से देखिएगा कहीं कोई छूटा नहीं टारगेट, ठीक है। माइनस ये पहले से हमारा माइनस है और इक्वेशन माइनस तो है ही, ठीक है, और जी नॉट वन, ठीक है, ये माइनस है, ये जी नॉट वन को जोड़ सकते हैं। हाँ देखिए ये यही पर गड़बड़ है, देखिए यहाँ पर कि ये माइनस है, इक्वेशन वन का जी नॉट वन है, देखिए ध्यान दीजिए, प्लस है और फिर इस रिएक्शन को रिवर्स किए हैं, तो कन्फ्यूजन यहीं पर से गड़बड़ हो जाएगा कि हमारा जो इक्वेशन है इसको हम शुरू में ही क्या करना, दोनों इक्वेशन को हमको रिवर्स करना पड़ा। तो जब भी आप कभी इक्वेशन को रिवर्स करके जोड़ते हैं, जैसे कि हम एक चीज सिखाना चाहते हैं कि देखिए -3 और -5 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों इक्वेशन को चूंकि हम रिवर्स किए थे, तो हम यदि दोनों को रिवर्स किए थे तो एक ही बार माइनस लगा के दोनों का सम नहीं लिख सकते हैं, दोनों में कंप्लीट में हम देखिए सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को, समझ रहे हैं कि नहीं, कि इससे ज्यादा ज्यादा डाउट नहीं रहेगा, मतलब कि हम दोनों को उल्टे हैं तो एक ही जगह माइनस लगाएंगे, दोनों को क्या करेंगे सम कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन और छोटा हो जाएगा, तो हमारा टारगेट इक्वेशन पर पहुंचना और आसान हो जाएगा। इस माइनस को अभी हम बाहर लिखते हैं और जी नॉट वन ध्यान रखिएगा, जी नॉट टू और हमारा डेल्टा जी नॉट टारगेट, हटाइएगा नहीं खाली, यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस जी नॉट के लिए लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट वन, हड़बड़ाइएगा खाली नहीं, माइनस यहाँ पर इसका माइनस लिखा, अभी इसका लिख रहे हैं माइनस एन एफ ई नॉट टू इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट टारगेट, ठीक है। ये माइनस अभी बाहर में पड़ा हुआ है, यहाँ का माइनस को देखिए, यहाँ से हम माइनस लिए कॉमन, और किसको ले रहे हैं बोलिए, तो माइनस को लिए और किसको लिए, एफ को लिए कॉमन, ये माइनस बाहर अभी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बचा बोलिए, तो एन ई नॉट वन, और यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस एन ई नॉट टू, ध्यान से देखिए, और ये क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस और एफ कॉमन लिए तो क्या बचा, एन ई नॉट टी, यहाँ से ये दोनों को पहले काट लीजिए, अब आपके पास क्या बचा, ये तो चूंकि आप ये तो आपने दोनों को घटाया था, तो एन ई नॉट वन प्लस एन ई नॉट टू इक्वल टू एन ई नॉट टारगेट, एन ई नॉट टारगेट, इसलिए ई नॉट टी इक्वल टू माइनस एन ई नॉट, ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कंक्लूजन है कि आप क्या किए हैं ये यहीं पर बता रहा है, तो सीधे आप यहां पर आ जाइएगा, देखिए आप दोनों इक्वेशन को रिवर्स किए इसलिए दोनों पर माइनस है, रिवर्स करके क्या किए थे जोड़े थे, तो आप क्या यूज किए हैं जैसे इक्वेशन में करिएगा यहां पर भी उसी तरह करना पड़ेगा, समझ आया बात ना, तो टारगेट इक्वेशन अब देखिए हम पुट करते हैं, पहला इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2 × x, इनका माइनस को अलग से रख ले रहते हैं, प्लस दूसरा इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है बोलिए, तो 1 × y, और तीसरा इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 3 × जो भी है जेड उसको, अब 3 × 3 है जेड का तो जोड़ते रहे तो निकलेगा जेड होगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ध्यान से समझिए -2x + y/3, यदि ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे आप बनाएंगे। अब हम इस चीज को समझे कि नहीं समझे ये आपके अंदर का बात है, इसको हम 2-3 क्वेश्चन में चेक करके एक टेक्निक बना लेंगे कि कैसे हम इतना बिना किए बना दें, इतना करके तो बना देगा कोई भी लेकिन इतना करने में 6 मिनट समय चला जाएगा और हमको समय मिलता है 45 सेकंड, तो अब हम बताते हैं कि 6 सेकंड में कैसे बनाएं, इसको पहले उतार ले सकते हैं आप लोग, अच्छा से उतारिए, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ई नॉट एफ ई टू प्लस ऑब्लिक एफ ई इज एक्स वन एंड ई नॉट एफ ई 3 + ऑब्लिक एफ ई इज x2, देन फाइंड ई नॉट 4 Fe3 + 2 Fe2 +, इसको ऐसे लिखा हुआ है ई नॉट एफ ई 3 + Fe2 + इज,
बनाना है ऊपर वाला क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये पूछा हुआ है एमसीक्यू क्वेश्चन, चॉइस दिया हुआ है। पहला चॉइस दिया है 3x2 - 2x1, दूसरा चॉइस दिया हुआ है x2 - तीसरा चॉइस दिया हुआ है x2 + x1, चौथा चॉइस दिया है 2x1 + 3x2। हमारा टारगेट इक्वेशन क्या है? हमारा टारगेट इक्वेशन है Fe3 से Fe2 जाना, ये हमारा क्या है टारगेट इक्वेशन। इतना बात समझ गए टारगेट है। हेल्पिंग इक्वेशन हमको क्या है भैया? Fe2 से Fe जा रहा है इसका x1, और Fe3 से Fe जा रहा है इसका x2। अब देखिए ध्यान समझिए, हमको चाहिए था Fe3 + इस साइड ना, है कौन साइड में हमको हेल्पिंग इक्वेशन में? इसी साइड में, तब तो ये तो बहुत अच्छा है। इसमें हमको इधर चाहिए, मतलब कि टू इक्वेशन जैसे है वैसे रहेगा, एक को क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, मतलब कि हमको क्या करेगा इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को घटाना पड़ेगा, तो ई टारगेट भी क्या हो जाएगा बोलिए एन। देखिए ध्यान से समझिए, जे चीज यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर टू का लिखना है तो टू का क्या लिखेंगे, n(e0)(2) - n(1)(e0)(1) बटे एन टारगेट। अब एन टू में कितना दिया हुआ है, देखिए टू इक्वेशन का एन का क्या वैल्यू है x2, इलेक्ट्रॉन उसमें कितना जा रहा है देखिए टू इक्वेशन में 3, n1 में क्या है, n1 में कितना है बोलिए x1 * 2, और की कहते हैं एन टारगेट इक्वेशन में कितना है, टारगेट इक्वेशन में कितना है 1, तो आंसर होगा 3x2 - 2x1, क्या होगा 3x2 - 2x1, ऐसा कोई चॉइस है? वही सही आंसर है क्या? तो नहीं सर, कहाँ गड़बड़ा है? अच्छा वहीं तक रुक गए, वो ये वाला काम करना नहीं, इलेक्ट्रॉन को तो यहीं पर देखना है ना बुआ, जे चीज यहाँ करते हैं यहाँ पर वही चीज होगा, और नीचे तो टारगेट इक्वेशन का इलेक्ट्रॉन होवे करेगा, यही तो मेन चीज है कि जो बिहेवियर यहाँ पर हुआ है वही चीज यहाँ पर, 2 पहले है तो 2 पहले लिखाएगा एडवर्ड, ये इक्वेशन इसी चीज के लिए हम लिखते हैं, जो बिहेवियर आप किए हैं, बिहेवियर आप क्या किया 2 में से 1, तो आपको भी 2 का दोनों चीज में से 1 के दोनों चीज को घटाना पड़ेगा, बात समझे? झूठो मुड़ी नहीं हिलाइएगा, नहीं तो हम पकड़ लेते हैं कि मुड़ी ऐसे हिल रहा है। n2 में कितना इलेक्ट्रॉन, ही कैसे देखे तुम बताओ हमको कि सेकेंड इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ तुमको जना रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जना ही नहीं रहा है, तुम कैसे समझा कि 3 इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर से कहिएगा कि सर Fe3+ में कोई चीज है और उससे Fe बन जा रहा है, ये पक्का बताता है कि 3 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, बिना ले कहाँ से गया होगा सर, ऐसे बोलिएगा ना गया बेन टू गया। देखिए इधर देखिए, हमको Cu2+ चाहिए, इधर इधर है, ये इधर है, मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना पड़ेगा, तो टारगेट क्या हो जाएगा n2e2 - n1u1 / n टारगेट n2 में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, e का वैल्यू क्या है x2 - n1, इसमें n1 में कितना इलेक्ट्रॉन, e का वैल्यू कितना है x1, टारगेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो 2x2 - x1। इतना देर आप लोग करते हैं ना, तो हम लोग को माइनस ना गिवन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन को बढ़िया से लिखिए। गिवन है Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन Fe, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है -0.036 वोल्ट, दूसरा है Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन Fe, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -0.440 वोल्ट, देन
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दिया हुआ है Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2 प्लस H, चार चॉइस भी दिया हुआ है, -0.476 वोल्ट, दूसरा -0.404 वोल्ट, तीसरा चॉइस 0.440 वोल्ट, चौथा चॉइस 0.772 वोल्ट। देखिए हमारा टारगेट इक्वेशन ये है, मतलब कि हमारा पहला एक चीज सही दिशा में है, दूसरा उसमें खाली घटा देंगे, तो हमको क्या करना है बोलिए। इक्वेशन 1 देखिए कितना आसान है समझना, नहीं समझते हैं तो अभी भी आप लोग का बड़प्पन है भाई, इतना समझाने पर भी यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप भी साधारण आदमी नहीं है। इसका मतलब कि टारगेट क्या हो जाएगा, N1E1 - N2E2 बटे एन टारगेट N1। पहला इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, वैल्यू कितना है -0.036 वोल्ट, ठीक है, -N2। N2 में कितना इलेक्ट्रॉन है बोलिए, 2, वैल्यू कितना है बोलिए -0.440 वोल्ट। अब बटे टारगेट इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितना है देखिए, तो टारगेट इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इतना गुना भाग करने में जितना देर आपको लगे लगाइए, कितना है, पक्का गलत नहीं किया है, कर भी लेते हैं हम तो सत्य। हाँ सही जवाब है, -0 पॉइंट की प्लस 0 पॉइंट, 0.772 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। बस व्यवहार देखिए कि वो क्या किया है, वैसा ही व्यवहार आप भी करिए, क्या किए तो आया तो वहां पर भी उसी चीज वहां लिखेंगे, उल्टे तो उलट दिए, जोड़े तो जोड़ दें, घटाए तो घटा दिए, इतने तो करना है, समझे।